आपको यहां क्या दिया गया है, एक सिस्टम दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वन, और इस सिस्टम में को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, हम सिस्टम क्यों कह रहे हैं? सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि यह फंक्शन नहीं हो सकता है, और दूसरी बात यह फंक्शन नहीं है, पहला फैक्ट, ठीक है। और दूसरा फैक्ट है कि यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन का मतलब होता है सिंगल वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यू दे सकता है या मोर देन टू फंक्शंस को जनरेट कर सकता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसे एज ए फंक्शन ऑफ वाई, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या सिंपल भाषा में सोचिए तो एक्स वाई को हम अलग नहीं कर सकते, या वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको हो सकता है थोड़ा धोखा मिले, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ये थोड़ा अधूरा अधूरा पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होना, दोनों जगह थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर वाई है, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होता तब ये दोनों क्या होते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वन होता, ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी हो जाती। खैर, ये आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर वाई है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। खैर, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यहां एलजेब्रा लगा दीजिए, है ना, इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए, ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑपरेटर लगा हुआ है x के फंक्शन के लिए, तो यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले हम चेंज कर लेते हैं, d बाई डी वाई कर लेते हैं क्योंकि y का फंक्शन है, और फिर dy वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, और ये cos स्क्वायर आपका क्या हो गया, y हो गया, ठीक, दैट इज इक्वल टू जीरो। खैर, यहां पर भी लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए, अगर एक्स की कोई वैल्यू रखते हो, सपोज पाई बाई टू रखते हो, तो कौन ऑपरेट होगा उसके लिए, साइन कैलकुलेट करोगे, मतलब साइन ऑपरेट होगा, और साइन के बाद क्या, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज साइन पाई बाई टू वन आ जाती है तो वन को ये स्क्वायर करेगा, है ना। अगर मान लीजिए 30 डिग्री रखते हैं आप, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, एक्स 30 रखोगे तो साइन ऑपरेट होगा, साइन 30 वन बाई टू हो जाएगा, और 1 बाई टू का फिर ये स्क्वायर होगा, 1 बाई फोर आंसर आएगा, मतलब ये सीक्वेंस है ऑपरेट होने का, मतलब यहां ये जो है स्क्वायर जो है ये फंक्शन ऑफ साइन है, और साइन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आउटर फंक्शन स्क्वायर हो गया, देन जस्ट इनर फंक्शन साइन हो गया, फिर एक्स है, तो यहां पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सबसे आउटर फंक्शन एक बार में डिफ्रेंशिएट होगा, देन इनर एंड देन जस्ट इनर, जो भी सीक्वेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जब डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या एन एक्स एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, और अंदर जो भी है लिख दीजिए, क्या है आपका साइन एक्स है, और फिर साइन एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, ये हो गया साइन एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक, तो ये फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन स्क्वायर एक्स का। अच्छा, टू माइनस वन कितना होता है, वन होता है, तो इसको हटा के वन लिख दे, ठीक, अब वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, हर नंबर के ऊपर वन होता है, तो ये भी हटा देते हैं, तो ये हो गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, प्लस सिमिलरली यहां पे करेंगे हम लोग डी बाई डी वाई इस चीज का, तो यहां भी चेन रूल लगेगा, मतलब यहां भी सीक्वेंस होगा स्क्वायर, ठीक है, फिर कॉस, और फिर क्या होगा वाई, मतलब वाई की वैल्यू प्लेस करोगे, कॉस वाई ऑपरेट होगा, फिर स्क्वायर ऑपरेट होगा, मतलब आउटर फंक्शन आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, और अंदर जो भी लिखा था, ठीक है, कॉस था तो वो वही रहेगा, अब कॉस डिफ्रेंशिएट होगा सेकेंड स्टेज पे, ये पहले स्टेज पे होता है, सेकेंड स्टेज पे ये डिफ्रेंशिएट होगा, और कॉस का माइनस साइन वाई होता है, ठीक है, फाइनल वाई का फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डीवाई बाई डी एक्स कॉपी कर लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए या सॉल्व करते हैं, एक स्टेप यही लिख देते हैं, तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, मतलब साइन टू एक्स हो गया, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा माइनस, और साथ में ये क्या है कॉस वाई है, टू माइनस वन वन आ जाएगा, तो ये सिंपली कॉस वाई है, और ये टू कॉस वाई साइन वाई, तो ये भी साइन टू वाई का फॉर्मूला हो गया, तो दैट इज साइन
और 2y dy by dx that is equals to 0. Now dy by dx क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो dy by dx इधर ले आइए आप, तो sin of 2x equals to, यहां पे क्या था आपका माइनस था, इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, मतलब sin of 2y dy by dx. तो dy by dx निकालना है तो इसको आइसोलेट करिए, सब्जेक्ट बनाइए, इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई में इधर ले जाके डिवाइड में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन sin ऑफ 2y, ये हो जाएगा dy by dx. अब चाहे dy by dx इक्वल्स टू ये लिखिए चाहे इसके इक्वल्स टू ये लिखिए, बात बराबर है, ठीक है. इसका मतलब dy by dx आपका क्या आ गया, sin 2y सॉरी 2x अपॉन sin 2y, या तो आंसर ये दिया गया होगा या 1 by sin 2y को cosec 2y लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आपके बुक में हो इंप्लाई लगाते हैं, तो दैट इज योर फाइनल आंसर.